हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड डे इन मनाली। अभी हम उठ चुके हैं, 8 बज गए सुबह के और बच्चे अभी तक बैठ के अंदर ही है। ये देख लो, ये हमारे रूम की हालत हो रखी है। पूरी रात बहुत ठंड थी, पूरा मनाली ब्लैकआउट था। पापा एक्सरसाइज करने लग गए सुबह सुबह उठते। लो जी, ये इस सिलेंडर ने हमारा काम चला दिया, इसलिए कहीं बाहर जाओ तो अपना सामान लेके चलो। रात को तो तेरा कुकर बन गया है। सुबह सुबह दूध दूध पी दिए, इसको दूध यहाँ का पसंद नहीं आ रहा। और यहाँ से बाहर का भी दिखाता हूँ, आपको ऑर्चर्ड दिखाई दे रहा होगा। व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हमने वैसे इमरजेंसी होटल लिया था ऑन रोड, वो नीचे मेरी गाड़ी खड़ी वहाँ पे। ये खड़ी गाड़ी मेरी बर्फ से ढकी हुई। इनफैक्ट मैं 2 दिन बाद रात को बर्फ उतारी थी, फिर भी इतनी बर्फ होगी। स्नोफॉल चलती पूरी रात चलती रही। ये देखो सामने का व्यू, सारा पूरा जंगल वाइट दिख रहा है यहाँ से। हमें ऐसी फील आ रही है जैसे हम सेंटर तो वाले किसी उसमें आ गए इवेंट में। ये इस टाइप से व्यू है रूम का, सेम यहाँ से भी, यहाँ से थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखो ये व्यू, बाहर से दिखाता हूँ, चल बड़ी बाहर से दिखाते हैं। तो ये होटल से बाहर का व्यू, ये देखो गाइस, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स के अंदर। बाकी व्यू आप अपने आंखों से देख सकते हो। ऊपर सनराइज हो चुका है, ये ऊपर सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, साथ में चांद भी दिखाई दे रहा है। और नीचे का व्यू ये है, किसी सीनरी जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमारे होटल के अंदर भी यहाँ भी बर्फ पड़ी हुई है, पूरी रात स्नोफॉल चलती रही। ये नीचे का इतना प्यारा व्यू, मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है ये। और वो सामने देखो ग्लेशियर नजर आ रहा है यहाँ से, मनाली है। ये ग्लेशियर है ऊपर, पूरा बर्फ से ढका पड़ा है। और यहाँ से ये सारे माउंटेन्स पूरे, और ये रोड देख लो भाई साहब। हमारा होटल अंदर ऑलरेडी बुक था मनाली के अंदर, बट हम नहीं पहुंच पाए। ये रोड है और ये हमारे होटल का व्यू, पूरा मनाली स्नो के अंदर है, पूरा मनाली। रात भर यहाँ पे रोड जाम लगा रहा, हमने तो अपनी गाड़ी तेज रास्ते में पार्क कर ली और यही रुकी। मस्त है ना, सिद्धार्थ का बर्थडे मना दिया हमने यहाँ पे। ठंडे हो रखे हैं, ये हिलता भी है, डांसी भी करता है, घूम घूम के बड़ा प्यारा है ना। तो ये देखो इतने सही माउंटेन्स पे बर्फ गिरी हुई है, तो हम नेक्स्ट डे पे आ चुके हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं मनाली, बर्फ चल रही है और सुमन को यहाँ बर्फ में लेके आया मारने के लिए। सिद्धार्थ वहाँ पे कर रहा है एंजॉय गाड़ी के अंदर। हम ऐसे मार्केट के लिए कि थोड़े से वीडियो बनाने और गिल्ला, पूरे कपड़े गिल्ले हो जाते थोड़ी सी लगती। बॉल क्या बोल रहा है रोड पे भाई, जेसीबी से रोड क्लियर किया जा रहा है, पूरा रोड ऐसे क्लियर किया है। बहुत ज्यादा कल स्नो स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा। गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद देखो रोड के क्या हालात हो रखे हैं, सारे रोड ऐसे हैं। गाड़ी तो हमारी चढ़ी नहीं, गाड़ी हमने भारी छोड़ दी और पैदल यहाँ से 1.5 किलोमीटर अराउंड हम पैदल करके आए हैं। और ये हमारा होटल, तो यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया और बस अब सोच रहे हैं दोबारा नीचे जाके थोड़ा सामान वगैरह लेके आए। और ऐसी हालत है रोड्स की, गाड़ी तो हाँ ही नहीं, 4x4 चल रही है, वो भी जिप्सी। और बाकी नॉर्मल कार तो चलानी यहाँ पे इम्पॉसिबल है। बर्फ़ देख लो, ये इतनी इतनी बर्फ है चारों तरफ से। खेलने के लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हाथ में लेते इतनी ठंड हो जाती है, फुल ऑन सिजलिंग। और टेम्परेचर हो रहा है भाई -10। पेड़ का हाल, ये पेड़ है। हालांकि आज सुबह से सारा दिन धूप थी, उसके बावजूद भी स्नो जो है वो मेल्ट नहीं हुई है। और रस्ते में आते आते 5-6 बार गिरे, तो स्लिप हुई, गिरे तो नहीं संभल गए, लेकिन स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। गाड़ी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऊपर तक आना। हमारी गाड़ी तो वहीं रुक गई,
हम वापस पैदल जा रहे हैं माल रोड 1 किलोमीटर नीचे फिर से, और इसी स्लिपरी वाली जगह से निकल के जाना पड़ेगा। बच्चों को छोड़ तो आए हैं होटल में, और सबसे मेन जो हुआ वो ये कि पूरे मनाली ब्लैकआउट है। कल जो है स्नो स्टॉर्म था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से पूरे मनाली के अंदर कहीं पे भी लाइट नहीं है, पूरा मनाली ब्लैकआउट है। अभी होटल वालों से बात की है, वो कह रहे 6 बजे जनरेटर में होगा, तो हमारे होटल में तो लाइट आ जाएगी। हमारा होटल थोड़ा अच्छे कैटेगरी का था। इस वाले मनाली ट्रिप हमें याद रहेगा, हमारे को लॉस भी हुआ, हमारा 2 दिन का होटल ऑलरेडी बुक था यहाँ पे, ऑन द स्पॉट हमें वहाँ पे फंसने की वजह से रूम लेना पड़ा। वो 2000 रुपीज़ पर रूम मांग रहे थे, तो हमने जॉइंट रूम लिया 3000 का, और अब मेरे को ऐसे चलना पड़ रहा, देख लो स्लिपरी, फुल ऑन स्लिपरी है, गिरने वाले हालात है। ये देख लो रोड, ये है रोड भाई, जहाँ जहाँ पे गाड़ी चली हुई है वहाँ वहाँ पे खाली है, बाकी सब जगह फुल। इधर से देख लो सुमन ट्राई करके, ये ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं, तो जान से आइयो, थोड़ा डंडी ले लेते हैं, यहाँ से डंडा तोड़ लेते हैं। गाड़ी आ गया था साइड, ये देख लो 4x4 चल रही है यहाँ पे, यहाँ से 4x4 चलती है, 4x4 का अब इस टाइम पे लगता है 4x4 होने की। तो अभी माल रोड जा रहे हैं, घूमने के हालात तो मतलब दिल बहुत कर रहा है घूमने का, लेकिन बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। माल रोड एक गेड़ी मारेंगे, थोड़ा सामान खाने का देखेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे वापस। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी 4x4 ही है, पूरा मनाली सिजलिंग। ओए होए होए, देख लो बर्फ भाई, हद हो रही है, ये दिख रही है आपको बर्फ कितनी मोटी है, इतनी मोटी बर्फ है, ये दिखाओ ना नीचे वाली देखो, ओ उधर साइड से मेरे को लगा अभी बड़ी रोड ऊंची तो आई थी इधर, आजा आजा कुछ नहीं होता भाई, इतने बड़े शहर जैसे डॉगी से डरती है मेरे पर, यहाँ के डॉगी बहुत मोटे मोटे हैं भाई, जैसे पहाड़ी मटर पहाड़ी। स्लिप हो रही है आराम से, इस पे चल सुमन, इस पे डरा, ये सही है, ये देख इस पे, इस पे आ, इस पे जहाँ पे गाड़ी दिख ली है,